इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ताजा मामले में मामूली कहासुनी को लेकर नाबालिग युवकों ने अपने ही दोस्त पर धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने देर रात नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे किया है। इंदौर के लसूड़िया थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर मंदिर परिसर में खेल रहे तीन नाबालिग युवकों में अचानक से कुछ कहासुनी हुई। कहासुनी में दो नाबालिग युवकों द्वारा नाबालिग कार्तिक, जिसकी उम्र महज 15 वर्ष थी, उस पर धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल किया गया। घायल कार्तिक को तुरंत इलाज के लिए एम्बा अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर आरोपियों की तलाश शुरू की। बताया जा रहा है देर शाम पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और हत्या संबंधित जांच में जुटी हुई है। आज क्या हुआ कि दिन में करीब 12:30-1 बजे घटना है। ये बच्चे हैं आपस में चीकू और बंद, दूसरा है कार्तिक, एक छोटा बच्चा उनके साथ में था बाबू। ये तीनों लोग वही मंदिर बैठे थे, इनकी आपस में जान पहचान भी है, परिचित भी है दूसरे के, और बात बात में कोई मामूली बात को लेकर पहले कार्तिक ने उसको चीकू को एक थप्पड़ मार दिया था जी। इसी बात पे चीकू चाकू लिए था जेब से निकाल के और उसको मार दिया, जो सीने में लग गया था, जिससे उसकी हत्या हुई है। और उसमें अपराध भी कायम हो गया है। मौके पर अधिकारी सब लोग आ गए थे, जैसा भी लोग सब लोग आ गए थे, और उसे तलाश की जा रही है, मुकदमा कायम हो गया है। सर क्या शव को भिजवा दिया गया? कौन है कार्तिक, क्या करता था? जी क्या करता था सर कार्तिक? बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो 15 साल के बच्चे हैं, कुछ नहीं करते। लसूरिया मोरी गांव है, तालाब के पास में है, घटना तो तालाब के पास में ही है।